नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया। मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं न्यू सचिवालय के पास, जहां पे स्थित है नौलखा दुर्गा मंदिर। यहां पे 25 सालों से लगातार अपने सीने पे 21 कलशा रखते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उसका क्या विशेषता है। ये मंदिर है, यहाँ आज अष्टमी दिन है, नवरात्र चल रहा है, शारदीय नवरात्र चल रहा है। एक बाबा है, आइए इनसे हम बात करते हैं कि आज अष्टमी का क्या महत्व होता है। महागौरी का आज महाअष्टमी तिथि है और महागौरी का पूजन होता है। पूजन में विशेष रूप से आज नारियल और शरीफा का भोग लगता है, जिससे माँ प्रसन्न होती है। और लाल कपड़ा से भी माँ का बहुत विशेष लगाव है। और जो भी भक्त आज उपवास रह कर के माँ का व्रत करते हैं, उससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर किसी का पुत्र पौत्र होने में दिक्कत हो रहा है, वो समस्या टल जाती है, या किसी व्यापार बिजनेस में अगर कोई हाथ काम करना चाहता है, वो सफलतापूर्व से महागौरी का पूजन करने से, महाअष्टमी के तिथि में नारियल का भोग और शरीफा का भोग लगाने से उसे हर मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो कि आरती रखे हुए हैं, चंदन लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि लोग लेके उसे क्या असर पड़ रहा है जो भीड़ का है। जी, भीड़ के लिए तो यहाँ व्यवस्थापक साहब ने सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था कर रखा है, लेकिन अब माँ के दर्शन के लिए इतना भीड़ उमड़ रहा है कि अब उतना तो पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जितना हद तक हो सके उतना हद तक वो कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। भीड़ हो रही है यहाँ पे। जी, बहुत भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ भी हो रही है और यहाँ पे बाबा हैं जो कि अपने सीने पे 21 कलशा रखे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इसके विशेषता के बारे में जानेंगे कि ये कब से वो रख रहे हैं और उसका क्या महत्व है। बाबा, पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। अभी 25वां साल होने जा रहा है। आज अष्टम महागौरी की पूजा है। हम लोग बहुत खुशी उत्साह धूमधाम से मना रहे हैं। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। हमारे देश में अभी कोरोना महामारी आई हुई है, मैं उसके भी तरफ से विनती करता हूँ माँ से, हे माँ, हमारे देश से कोरोना महामारी भी दूर भाग जाए, लोगों को सुखी शांति मिले। जय माता जी। न्यू सचिवालय नौलखा मंदिर, जय माता नंद कुमार देवी द्वार। लगातार ये 25वां साल है, 25वां साल ये यहाँ पे कलशा रखे हुए हैं। इनका भी चाहते हैं कि देश से कोरोना महामारी जल्दी से खत्म हो, इसको लेके आइए। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कोरोना लॉकडाउन के को लेके जो नियम लगाया गया है, उसका कितना असर दिख रहा है यहाँ पे? इधर बहुत लोग मास्क लगाए हैं, कुछ नहीं भी लगाए हैं, तो जो नहीं लगाए गलत है, लगाना चाहिए। अच्छा, पिछला साल के तुलना में आंटी यहाँ पे कैसा भीड़ है पिछला साल की तुलना में? पिछले साल भी भीड़ नहीं थी, पिछले साल भी तो लॉकडाउन ही लगा हुआ था। इस बार भी लॉकडाउन है तो भीड़ कम है, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन भीड़ कम है पिछले बार से। और मंदिर में है कि यहाँ मंदिर में आइए, मन्नत माने तो मन्नत जरूर पूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और सर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज अष्टमी की क्या विशेषता होती है, अष्टमी की क्या विशेषता होती है नवरात्र को। बेसिकली हम लोग कई जगह पे कन्या पूजन भी होता है और एक तरह से कल फिर महानवमी, जिसमें हम लोग पर्व को फिर समापन करते हैं, तो बस उसका शुरुआत है। महाअष्टमी हमारी कालरात्रि और उनकी जो महिमा है उसमें वो करते हैं महागौरी और महा। अच्छा, ये एक बाबा हैं अपने सीने पे 21 कलशा रखे हुए हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब बहुत अमेजिंग बात है, मतलब हर कोई के बस में थोड़ी होता है ये सब करना, बहुत मेहनत और बहुत ये चाहिए होता है करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। बिना खाए इनसे बात किया गया तो इन्होंने बताया कि ये 25वां साल है। हाँ, ये बहुत साल से कर रहे हैं, हम लोग पहले भी आते थे तो ये बहुत साल से कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, सब कोई थोड़ी कर पाते हैं। तो इसको लेके बाबा को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत श्रद्धा है इनके अंदर माता रानी को लेके, तभी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये जो नियम लगाया गया है भीड़ ना लगाने को लेके, जिसका असर दिख रहा है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि यहाँ ये जो कलश ये रखे हुए हैं, इसको लेके ये कब से रख रहा है और ये लोग कब से आ रहे हैं। भैया, आप कब से यहाँ आ रहे हैं इस मंदिर को देखने? देखिए, हम तो यहाँ आजीवन, जब से शरीर हम बड़ा हुआ हैं, इस मंदिर का व्यवस्थापक है, संस्थापक हैं। मैं आपको बतलाता हूँ कि बाबा नागेश्वर
25 वर्ष 25वां साल है, 21 कलश सीने पर अनजल नित्य क्रिया त्याग कर लिए हुए हैं। और यहाँ देखिए एक यहाँ का अनुष्ठान अलग है, देवी माँ ये मनोकामना मंदिर है, यहाँ जो भी भक्त कुछ मांगते हैं सच्चे दिल से उनको निश्चित पूरा होता है, इसीलिए नवरात्रा में काफ़ी भीड़ रहती है, नवरात्रा के अलावा भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और लोग दर्शन करने आते हैं, माता का प्रसाद लेते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर के संस्थापक हैं आप? बिल्कुल, मैं इस मंदिर का संस्थापक हूँ और इसको जो भी कमी होती है भक्तों को हो मंदिर को हो सबको पूरा करने का काम भगवती के माध्यम से हम लोग करते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर बहुत पौराणिक है, करीब सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है, लेकिन इसको आज से 40 साल पहले हमने इसको जीर्णोद्वार करवाया है। सैकड़ों साल पहले ये देवी का पिंडी थी, उसी को बढ़ाते बढ़ाते आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर का विशेषता है कि आप सच्चे दिल से जो मांगेंगे जो भी कष्ट होगा उसको दूर होगा। एक चीज़ देखिए, कोरोना काल में भी भक्तगण आ रहे हैं जा रहे हैं, भक्तगण भी यही कह रहे हैं कि जब हम माँ का पूजा कर रहे हैं माँ के शरण में हैं तो कोरोना कहाँ है इस देश में, जो भी कोरोना होगा इस माँ के पूजा से सब कोरोना भाग जाएगा। अच्छा, इस मंदिर के आप व्यवस्थापक भी हैं, तो ये जो सरकार के द्वारा जो नियम लगाया गया है कोरोना को लेकर उसका आप क्या व्यवस्था किए हुए हैं? उसके लिए हमने मास्क की व्यवस्था रखे हुए हैं, जो माँ बहन भक्तगण यदि एक भी वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जो लेकिन यहाँ तो हमको लगा जांचने से पता चला कि करीब करीब सभी लोग वैक्सीन ले लिए हैं। ये सरकार बहुत आगे यहाँ वैक्सीन के मामले में आगे बढ़ा हुआ है, मैं सरकार को ये बधाई देता हूँ। इस मंदिर के एक पुजारी बाबा हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि इस मंदिर नौलखा मंदिर की क्या विशेषता। बाबा, इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता है कि ये मनोकामना देवी हैं, इनसे आप जो मांगिएगा तुरंत देती है, क्योंकि हम इनको 21 वर्ष से देखते आ रहे हैं। हम 21 वर्ष से मंदिर के पुजारी हैं और 21 वर्ष से बाबा को भी देखते आ रहे हैं। इनकी नाम नौलखा पड़ा, हम अपने व्यवस्थापक से पूछे थे तो हमें बताया कि मंदिर 100 वर्ष पहले नौलख में आया था, इसलिए मंदिर का नाम नौलखा पड़ा था। और ये सचमुच में नौलखा माँ का शक्ति क्या है ये भक्त जानते हैं, हम भी देखे हैं, हमको भी ज्ञान माँ दी है। आज हम जो भी पूजा पाठ करते हैं सब नौलखा माँ का दिया हुआ है। हम पुजेरी घर से पैदा नहीं लिए हैं और न ही हम पुजेरी हैं, हम जो हैं सब हमारी माँ का दिया हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम पूरे पटना में कर्मकांडी विद्वान कहा के हर एक पूजा करवाते हैं, ये सब हमारी माँ की शक्ति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत सारे लोग हैं और ये जो नियम लगाया गया है भीड़ ना लगाने को लेके, जिसका असर दिख रहा है और यहाँ पे भीड़ नहीं है। नौलखा मंदिर है न्यू सचिवालय के पास। आप देख रहे हैं आर मीडिया पटना से, मैं अनमोल तिवारी।